खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गांधी और गोडसे, दो साफ उलट रास्ते, एक अहिंसा के पुजारी और दूसरा उसी पुजारी का हत्यारा। देश ने गांधी के रास्ते को चुना, लेकिन आज हम आपको उस हत्यारन साध्वी की कहानी दिखाएंगे जिसने राष्ट्रपिता के निधन के 71 साल बाद उन्हें फिर से गोली मारी है। देखिए गोडसे के लिए देश से गद्दारी करने वाली हत्यारन साध्वी का पूरा सच। नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। भगवा कपड़ों में खड़ी एक महिला हाथ में एयरगन लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली दागती है। पुतले से प्रतीकात्मक रूप से खून भी निकलता है। और फिर सब मिलकर बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे के समर्थन में नारेबाजी करने लगते हैं। नाथुराम गोडसे अमर रहे, महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा। देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। राष्ट्रपिता के इस अपमान से लोगों में काफी गुस्सा भर गया। महात्मा नाथुराम गोडसे महात्मा नाथुराम गोडसे। लोग गांधी जी के इस अपमान पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। गिरीश चंद्र नाम के शख्स ने लिखा, महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारकर देशद्रोहियों ने एक बार फिर गांधी जी की हत्या कर दी। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तपन शर्मा ने लिखा, ये लोग गांधी जी को 71 साल से गोली मार रहे हैं, लेकिन कमाल की बात है कि गांधी मरता ही नहीं, क्योंकि गांधी जी एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं। डॉक्टर अनीता ने ट्वीट किया, गोडसे को फांसी हुई गांधी जी को गोली मारने पर। शकुन पांडे ने प्रतीकात्मक वही किया, उसे भी सजा होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, बेशर्मी की भी हद होती है, जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उसके विरुद्ध ऐसा कृत्य निंदनीय है। महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। इसी तरह से लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे, लेकिन सवाल उठता है कि ये पूरा मामला क्या है। महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। क्या सच में देश में ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपिता के पुतले को गोली मारकर लोग जश्न मनाएं? गांधी जी को गोली मारने वाली ये महिला कौन है और ये पूरा मामला क्या है? हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये वीडियो बुधवार का है। अलीगढ़ में हिंदू महासभा के लोगों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके हत्यारे नाथुराम गोडसे के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शौर्य दिवस मनाया। नाथुराम गोडसे अमर रहे, महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। तस्वीरों में महात्मा गांधी के पुतले पर प्रतीकात्मक रूप से गोली चला रही महिला पूजा शकुन पांडे है। पूजा हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव है। पूजा पांडे हिंदू महासभा की महंत भी है और हिंदू न्यायपीठ की न्यायाधीश भी है। नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी के इस अपमान को लेकर अलीगढ़ में 4 अज्ञात लोगों समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो सूचना मिलने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया 147/48/49/153A/295 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसमें 8 लोग नामजद हैं और 4 लोग अज्ञात में हैं। सबको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके घरों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी इसमें होगी। सर क्या आयोजन था, किस आयोजन में चलाया गया? आयोजन जो बाद में पता चला है वो आयोजन ये था कि 30 जनवरी को ये शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाह रही थी, तो ये रिवर्स करना चाह रही थी और ग्लोरीफाई कर रही थी नाथुराम गोडसे को।
एफआईआर में गोली चलाने वाली पूजा पांडे और उसके पति का नाम भी दर्ज है। सोशल मीडिया पर गांधी जी को गोली मारने का दावा। पूजा पांडे की मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ तस्वीरें भी दिखी। साथ में एक तस्वीर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ भी है। नेताओं के साथ पूजा पांडे की ये तस्वीरें 2017 में योगी के शपथ ग्रहण वाले दिन की हैं। इस बात का जिक्र खुद उसने फेसबुक पेज पर कर रखा है। पूजा के राजनीतिक रसूख का अंदाजा आप शपथ ग्रहण वाली एक और तस्वीर से कर सकते हैं, जिसमें वो सुशील मोदी और मंगल पांडे से आगे वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। पूजा पांडे देश की कथित हिंदू कोर्ट की पहली जज है। खुद को महंत डॉक्टर पूजानंद गिरी लिखती है। बीजेपी नेताओं के साथ भले ही पूजा पांडे की तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन पूजा पांडे का एक ऐसा भी वीडियो एबीपी न्यूज को मिला जिसमें वो मोदी के खिलाफ बयान दे रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज या परहेज नहीं है कि आज बीजेपी का मतलब अमित शाह और मोदी रहे हैं। जितने भी ऐसे नेता थे जो हिंदुवादी थे, जो बीजेपी में थे, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे वो प्रवीण तोगड़िया जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो नाम ही बुला दिया, आज मोशन पे सिर्फ ये कह सकते हैं क्या बीजेपी इन्होंने बनाई थी। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर भी कई भड़काऊ बयान वाले वीडियो हमें मिले हैं। इस वीर के, इस शहीद की शहादत को नमन करो, बोलो जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। श्री नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और अब ताजा वीडियो राष्ट्रपिता के अपमान का है जिस पर देश उबल पड़ा है। पूजा पांडे की गिरफ्तारी और सजा देने की मांग हो रही है। अहिंसा के प्रतीक और देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाले नेताओं के लिए बापू का संदेश समझना चाहिए। वैसे भी ये देश का संदेश है कि देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, न कि गोडसे के। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।